कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मस्ती में कट रही होगी जिंदगी। तो यार सब्सक्राइब मारो अपने चैनल पीकेपी को, और हाँ उस घंटे के आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलो आज हम एपिसोड 3 शुरू करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट एपिसोड। देखो एपिसोड नंबर 2 जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी आई बटन पे क्लिक करके देख के आओ, ठीक है? अच्छा अब देखो, मुझे कुछ बच्चों का ये बोला उन्होंने कि सर GUI और टच स्क्रीन वाला जो था ना वो थोड़ा, एक और बार बताइए, थोड़ा वो डाउट में लग रहा था। देखो GUI का सिंपली मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसमें हम ग्राफिक्स का यूज़ करें, इसमें हम विम्प बोलते हैं, इसे हम विम्प भी बुलाते हैं। मतलब विम्प क्या होता है? विंडोज़ आइकन्स मेन्यू पॉइंटर्स, इसमें हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ आइकन्स इन सब का। और एक चीज़ बता दूं, जितने भी विम्प होते हैं वो सब GUI होंगे, बट जितने भी GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस होते हैं वो सारे विम्प नहीं होंगे। मतलब मैं उनमें विंडोज़ आइकन्स मेन्यू पॉइंटर्स का इस्तेमाल नहीं करूँगा, है ना? आसान भाषा में तुम ये बोलो। फिर टच स्क्रीन की बात आती है। मेरे पास एक ये है, मेरे पास मोबाइल है, मैं उसमें टच स्क्रीन यूज़ कर रहा हूँ, टच करके चीज़ें चला रहा हूँ, है ना? तो क्या है वो? टच स्क्रीन है। आप एग्जाम्पल के तौर पे विंडोज़ 8, 10, एंड्रॉयड, तुम एंड्रॉयड तो आगे पढ़ोगे, तो बस इतनी सी बात थी। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाली कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी डाउट हो बता दो कमेंट में, क्लियर कर देंगे हम। फिर अब ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा 4.5, इस चैप्टर का फिफ्थ टॉपिक, कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इन्हें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारे पास लिनक्स। अब देखो लिनक्स ये बहुत पॉपुलर है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यार। ये इसलिए पॉपुलर है कि फ्री है और इसके कई वर्जन आते हैं। काली लिनक्स है, पैरेट OS है हमारे पास, है ना? ये सब किसके साइबर सिक्योरिटी हैकिंग में यूज़ होते हैं। तुम्हें पता, अगर इसके बारे में नॉलेज चाहिए, हैकिंग के बारे में नॉलेज चाहिए तो कमेंट करो, बहुत फ्री में बढ़िया अच्छे तरीके से सिखा दूंगा तुमको, है ना? क्योंकि मुझे अच्छे से आती है, मतलब काफ़ी नॉलेज है इस बारे में। अब इसको लिनक्स को एग्जाम्पल से समझ के को देखते हैं। ये ओपन सोर्स होता है और फ्री है, मतलब ये सॉफ्टवेयर, ये OS बिल्कुल फ्री है। सोर्स, अब ओपन सोर्स का मतलब जिसकी सोर्स ओपन हो, जिसको सब लोग इस्तेमाल कर सकें, है ना? अब विंडोज़ में क्या है, विंडोज़ जो है उसका कोड तुम देखोगे तुम एडिट नहीं कर सकते, बट तुम इसका कोड एडिट कर सकते हो, ये ओपन सोर्स है, सबके लिए अवेलेबल है, है? अब स्कूल में प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठना सिर्फ टीचर्स के लिए अलाउड है AC में, अब वो तुम्हारे लिए अलाउड तो नहीं है ना AC में बैठना टीचर प्रिंसिपल के ऑफिस में? तो वैसे ही समझने की कोशिश करो तुम। अब देखो विंडोज़ जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब मैं उसे रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। अगर तुमने बांटा तो पुलिस वाले अंकल आके तुम्हें फ्री फूड देंगे, फ्री में खाना देंगे और फ्री में एक कमरा दे देंगे। हाँ सही पकड़े, जेल ले जाएंगे तुमको, तुम पे अच्छा खासा फाइन लगेगा। तो विंडोज, बट लिनक्स को तुम रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तुम बांट सकते हो अपने दोस्तों में, अरे तुझे भी चाहिए लिनक्स, ले भाई, तुझे भी चाहिए लिनक्स, ले भाई, है ना? तो तुम लिनक्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो बट विंडोज को नहीं कर सकते। और बात बताओ इसका कर्नल, कर्नल और शेल तुम्हें पता है कर्नल क्या होता है? ये यार फंडामेंटल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। शेल तुम चैप्टर नंबर 2 या 3 में पढ़ के आ चुके थे, है ना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में। अब बात आती है कि ये लिनक्स में कर्नल में क्या होता है। देखो लिनक्स का जो कर्नल होता है ना, है ना, वो क्या होता है, वो सबके लिए अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लिनक्स को बनाया किसने था? लिनस टॉवल्स ने, है ना? ये एक फिनिश यूनिवर्सिटी का बंदा था, सिर्फ नॉलेज के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। बस लिनक्स का जो कर्नल है वो अवेलेबल है, लिनक्स का कर्नल अवेलेबल है, इतना समझ में आया? अब तुम्हें पता होगा हम वेबसाइट चेक से वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए कुछ जैसे MySQL और PHP यूज़ करते हैं, तो लिनक्स उसका पार्ट है, लैम्प का पार्ट है, लैम्प जिसके अंदर तुम्हारा लिनक्स अपाचे ये सब आता है। फिर विंडोज़, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अब देखो विंडोज़ क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अरे ये तो वही बंदा है, ये तो उसी बंदे की कंपनी है जो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। हाँ सही पकड़े, लेकिन सर जेफ बिजोस भाई साहब भी तो आ गए हैं, अमेजोन के CEO। अरे आज ये छोड़ लो, पढ़ाई में लगा लो थोड़ा सा दिमाग,
जेफ बिजोस और वो तो करते ही रहेंगे, तुम पढ़ लो वरना पेपर मार्क्स कम आ जाएंगे। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक फैमिली है, माइक्रोसॉफ्ट जो फैमिली है किसकी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस की। सिर्फ एक नहीं है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसमें फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 1985 में, बताने की ज़रूरत तो है नहीं किसने लॉन्च किया था, है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है किसने लॉन्च किया था। तो अब देखो ये फर्स्ट मतलब GUI इंटरफेस था जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चला, मार्केट में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की डिमांड बढ़ रही थी। उसी वक्त भाई साहब ने दिमाग लगाया और उठा के अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, बहुत चल गया। तो मैं बता दूँ जब से विंडोज आया है ना ये मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। मतलब अब डोमिनेशन का मतलब क्या है, और तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा OS मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, तुम बोलोगे विंडोज। अब डोमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे अपना हक दिखाना, अपने आप को ज़्यादा दिखाना, डोमिनेट करना। जैसे वाइफ जो है वो हस्बैंड को डोमिनेट करती है, उससे ज़्यादा काम निकलवाती है, मतलब एक सबसे ज़्यादा अपनी रेस्पेक्ट रखना, पूरे मार्केट में डोमिनेशन रखना, है ना। अच्छा इतना क्लियर हुआ। अब इसके एग्जाम्पल 7, 8, 10 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, XP वगैरह वगैरह, तो मैं ज़्यादा इतने एग्जाम्पल्स तो पता ही हैं। फिर आता है अपने पास बॉस, बिग बॉस नहीं जो कि तुम रात में देखते हो, बिग बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉस की बात कर रहा हूँ। अभी बॉस क्या है, इसका फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग, भारत इंडिया, है ना, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ये लिनक्स बेस्ड है यार, यहाँ पे भी लिनक्स आ गया तो तुम सोच सकते हो कितनी बड़ी फैमिली है लिनक्स की। मतलब तुम उठा के कर्नल एडिट मारो, एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया तुमने। अब ये इंडियन OS है, मतलब ये लिनक्स, इसमें क्या हुआ, हमने लिनक्स जो लिनक्स का कर्नल था उसको इस्तेमाल करके हमने अपना भारत का एक OS बना दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, है ना, आसान सी बात ये है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं। देखो ऑफिस सूट मतलब, अरे वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है जिसमें पावर पॉइंट MS ऑफिस होता है, वैसे ही इसमें जो है हम लोग भारतीय ओ यूज़ करते हैं, है ना, एज अ ऑफिस सूट। और हम जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए मतलब वेब ब्राउज़र फायरबॉक्स यूज़ करते हैं। अब स्पेशलिटी क्या है इसकी, क्यों हमने बना दिया एक नया। तो देखो जितने भी तुमको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंग्लिश में काम करते हैं, है ना, ये इंडियन लैंग्वेजेस में मतलब रीजनल लैंग्वेजेस में काम करता है। अरे अब पंजाब में चले जाए तो वहाँ लैंग्वेज अलग है, कर्नाटका में चले जाए तो वहाँ लैंग्वेज अलग है, बिहार में चले जाए तो वहाँ थोड़ी अलग लैंग्वेज हो जाती है, लैंग्वेज अलग नहीं होती है, एक्सेंट अलग हो जाता है ना। तो वैसे ही तो ये रीजनल है। अब तुमसे कोई पूछे कि इसका इंटरफेस कैसा है, तो तुम ये देखो, ये इसका इंटरफेस है, तुम देख सकते हो यहाँ पे विंडोज वगैरह हैं, यहाँ पे यस ये होता है, यहाँ पे मैंने बगल में सब कुछ दिया हुआ है, तो तुम पढ़ सकते हो खुद इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम बहुत इजीली समझ भी सकते हो क्या हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इतना तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये इसका इंटरफेस है, ईजी इंटरफेस है, ज़्यादा टफ इंटरफेस नहीं है। अब आता है हमारे पास सोलारिस, ये सोलारिस भाई साहब क्या है, तो देखो सोलारिस OS इसका पूरा नाम है, सोलारिस ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉमनली हम इसे सोलारिस बुलाते हैं। ये फ्री यूनिक्स बेस्ड है, अभी तक हम लिनक्स बेस्ड पढ़ के आ रहे थे, बॉस लिनक्स बेस्ड था, ये यूनिक्स बेस्ड है, है ना। लिनक्स और यूनिक्स में डिफरेंशिएशन की अगर तुम्हें वीडियो चाहिए तो बता दो, है ना। अब देखो तुमसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा इनमें से MCQ में इनमें से कौन सा OS यूनिक्स बेस्ड है, तो तुम लगाओगे सोलारिस, है ना, क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे तुमको। और बस एक सोलर एसी है जो हमारे सिलेबस में यूनिक्स बेस्ड है ना। उसके बाद आता है तुम्हारी, ये किसे डेवलप किया था, सन माइक्रोसिस्टम्स ने 1992 में, और ये सन OS का क्या है, सन OS का बड़ा भाई है। सोलारिस जो है वो बड़ा भाई है, सक्सेसर है, आगे वाली पीढ़ी का इंसान है, किसका, सन OS का, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, मोबाइल का मतलब जो तुम्हारे हाथ में भी पकड़े हो तुम, ऑपरेटिंग करना, किसी चीज़ को ऑपरेट करना, सिस्टम जो उसकी मदद कर रहा हो, है ना, पूरा एक ग्रुप हो। अब देखो पहला है हमारे पास एंड्रॉयड,
यार ये एंड्रॉयड लिनक्स बेस्ड है, सोचो ये भी लिनक्स बेस्ड है, तो तुम सोच सकते हो लिनक्स कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है लिनक्स बेस्ड जो है वो मोबाइल के लिए बनाया गया है एंड्रॉयड को। और ये अपाचे V2 ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ आया था जब ये आया था, है ना। और तुम्हारी जानकारी के बता दूं, ये क्वेश्चन बनेगा तुम्हें ये लिखना पड़ेगा कि लिनक्स बेस्ड जिसमें ये आया था, इसे किसने बनाया था, गूगल ने और OHA ने। OHA का मतलब क्या था, ओपन हैंडसेट अलायंस, अरे जैसे कंपनीज अलायंस करती है ना, इसका BJP और इसका अलायंस हो गया, है ना, ऐसे ये अलायंस होता है, डेवलप किया है इन लोगों ने मिलके। इसके अंदर अलायंस के अंदर कौन कौन सी लोग थे, इसके अंदर कंपनीज थी बहुत सारी सॉफ्टवेयर वाली हार्डवेयर वाली, इन सब ने अपना अलायंस बनाया और गूगल ने बोला कि भैया मैं आपकी मदद करूंगा, इन सब ने मिलके इसको डेवलप किया। और तुम्हारी नॉलेज के लिए बता दूं, विंडोज जैसे डोमिनेट कर रहा है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में, वैसे एंड्रॉयड अपने मार्केट में डोमिनेट कर रहा है मोबाइल फोन्स में। मोस्ट ऑफ द मोबाइल फोन तुम्हारे हाथ में भी अभी जो फोन होगा वो भी मेरे हिसाब से एंड्रॉयड होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट्स सीरियस, अपने आसपास जाके देखो। फिर आता है हमारे पास सिम्बियन, ये नोकिया का भाई है, मतलब नोकिया ने क्रिएट किया था इसको। देखो जब नोकिया, तुम्हें पता है एक टाइम पे बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, इसे नोकिया ने बनाया था। और ये नोकिया ने अपने जो उसके एडवांस जो फोन्स आने थे 2G 3G इनके लिए बनाया था। तुम्हें पता है नोकिया जो है वो बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसने तब ये डेवलप किया था, अभी तो उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, बट इसको 3G 2G फोन्स के लिए लॉन्च किया गया था। और तुम्हें पता है ये नोकिया अब तो बेकार हो गई है, अब तो नोकिया इसको यूज़ करती नहीं है, क्योंकि पहले नोकिया को विंडोज़ ने खरीद लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हुआ, वो हम थोड़ा जानेंगे आगे। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विंडोज़ फ़ोन। देखो तुम्हें पता है नोकिया बिक गया था, विंडोज़ ने नोकिया को ख़रीद लिया था, विंडोज़ ये विंडोज़ 7 और 8 जो है वो बनाया गया था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 और 8 के उसमें बनाया गया था ये, है ना। बट दिक्कत ये थी, बेसिकली दिक्कत ये थी, माइक्रोसॉफ्ट ने पहले नोकिया को ख़रीद लिया, बाय कर लिया, है ना। तो उसने बोला कि मैं नोकिया की कंपनी यूज़ नहीं करूँगा, ना मैं उसका सिम्बियन OS यूज़ करूँगा, मैं अपना अलग प्लेटफॉर्म बनाऊँगा, क्या उसने अपना विंडोज़ फ़ोन बिल्ड किया। बट तुम्हें पता है ये भी कुछ सालों चला, फिर इस पर एक्चुअली एप्लीकेशन सारी अवेलेबल नहीं होती थी, है ना, तुम जैसे गूगल प्ले पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो वैसे इस पर नहीं मिलती थी, तो ये नहीं चला और ये बंद हो गया। तो सोलरिस और विंडोज़ फ़ोन में तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब एप्पल iOS, यार किडनी बेचने वाला फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोग इसके लिए किडनी बेचते हैं, कुछ बच्चों का तो ये ड्रीम फ़ोन होगा, बाबू शो ना करते हैं ना जो, उन्हें किडनी बेच के ही देना पड़ता है, और क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो। तो देखो अब ये इससे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ड्रीम बाद में देख लेना। चलो देखो ध्यान से, ये 2010 से पहले हम लोग इसे आईफोन OS के नाम से जानते थे, बट इसे अब एप्पल iOS बुलाया जाता है आसान सी भाषा में। ये सिर्फ और सिर्फ एप्पल मोबाइल्स का OS है, या फिर एक्सक्लूसिवली बोल दें तो एप्पल की डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो तुम सिर्फ इसको, मतलब जो एप्पल के प्रोडक्ट हैं, जैसे एप्पल का प्रोडक्ट मान लो एप्पल का जो मैक आता है उसमें यूज़ कर सकते हो तुम, उसकी स्मार्ट वॉच में यूज़ कर सकते हो, तो सिर्फ ये एप्पल का है। वो बात अलग है तुम मोबाइल को रूट करके उसमें कहीं से डाल लो इसको, तो वो चीज़ अलग होती है, वो पूरा डिफरेंट सिनेरियो होता है, बट बेसिकली ये एक्सक्लूसिवली है एप्पल के फ़ोन्स के उसके चीज़ों के लिए। तो इतना क्लियर हुआ, इतना भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, चमका कि नहीं चमका। चलो अब इसे बहुत ध्यान से समझ लो, लास्ट है। अब हम पढ़ने वाले RIM ब्लैकबेरी के बारे में। RIM बोला है, रिप नहीं बोला, वैसे ब्लैकबेरी सच में रिप हो चुका है तो बोल भी सकते हैं, वैसे इसका नाम RIM ब्लैकबेरी OS है। देखो ब्लैकबेरी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, तुम्हें पता होगा लोग मरते थे इसके फ़ोन्स के ख़रीदने के लिए, है ना। और ये जो ब्लैकबेरी OS था ये सिर्फ ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में यूज़ हुआ करता था। और तुम्हें बता दूं कि अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, है ना, इसको डेवलप किया था RIM ने
रिसर्च इन मोशन ने ये क्या थी, ये कैनेडियन टेलीकम्युनिकेशन का प्लांट था। कैनेडियन का मतलब कैनेडा में यूज, कैनेडा में, कैनेडा इसका बेस था। तो टेलीकम्युनिकेशन जो टेलीफोन कम्युनिकेशन की यूज़ में आती है, तो मैं बता दूँ पहले ये तुम्हारा ब्लैकबेरी और नोकिया बहुत बड़ी कंपनीज हुआ करती थी। अब देखो लेटेस्ट जो है इसका क्यूएनएक्स है, वो अब इसको आके रिप्लेस कर देगा। किसको रिप्लेस कर देगा, ब्लैकबेरी को कर दिया है रिप्लेस। तुम्हें पता है ब्लैकबेरी में व्हाट्सएप तक नहीं चल रहा, तो यार कौन खरीदेगा? तो इसलिए सब लोग एंड्रॉयड पर शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलो इसी के साथ चैप्टर का एंड होता है। बोलो जय हिंद जय भारत। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछो और सब्सक्राइब करना मत भूल।